मुझे सख्त अफसोस है कि मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह जान दे रहा हूं। मुझे सख्त शर्मिंदगी है कि मैं मैदाने जंग में शहीद नहीं हो सका, और अल्लाह क़यामत तक कभी किसी बुज़दिल को सुकून और इत्मीनान ना दे। ये अफसोस उस मुजाहिद का है जिसको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह का लकब दिया। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ अदनान वहीद और आप देख रहे हैं हमारी नई सीरीज अल्लाह की तलवार। उनके वजूद का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर तीर, तलवार, नेजे या हंजर के जख्मों के निशान ना हों। उन्होंने 100 से जायद गुमसान की जंगों में हिस्सा लिया और कभी किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। उनके नाम से ही ईरानी और रोमी सल्तनतों पर दहशत तारी हो जाया करती थी। अपनी मौत के वक्त मैदाने जंग में शहादत ना हो पाने पर उन्होंने ये कलमात अफसोस की हालत में कहे। इस पर उनकी जोजा ने उनको तसल्ली दी कि हालिद, आप शर्मसार ना हो, आपको जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लकब दे दिया है तो इसका मतलब ही ये है कि अब ये सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार मैदान जंग में किसी काफर के हाथों नहीं कट सकती। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो के नसीब में शहादत नहीं थी। अपनी अहलिया की तरफ से इस तसल्ली के बाद अल्लाह का ये शेर जरा पुरसकून हुआ। हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो सिर्फ आलम इस्लाम के ही नहीं बल्कि तारीख़ इंसानियत के हीरो हैं। इंसानियत की तारीख में उनसे बड़ा फौजी हिकमत अमली साज और फनून जंग का माहिर जर्नैल और गाजी पैदा ही नहीं हुआ। जब हजरत हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो के इंतकाल की खबर शाम से मदीना पहुंची तो मदीना में कोहराम मच गया। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो पहले तो लोगों को मना करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब मालूम हुआ कि अबू सुलेमान यानी हजरत हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो की वफात की खबर है तो फिर वो भी खामोश हो गए। फिर अहले मदीना से कहा कि आज जो आंख रोना चाहती है रो ले, जो जुबान कुछ कहना चाहती है वो कह दे, क्योंकि वो जो कुछ भी कहेंगे सच ही कहेंगे। लोगों को दोबारा अबू सुलेमान रजी अल्लाह तआला अन्हो यानी हजरत हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो जैसे वजूद पर रोने का मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो भी हजरत हालिद बिन वलीद के बारे में फरमा चुके थे कि माएँ अब दोबारा हालिद जैसा बेटा पैदा करने से कासिर हैं। नाज़रीन, सैयदना हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो कुरैश के एक कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और पैदाइशी जंगजू थे। उनके कबीले का काम ही जंग करना था। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा ने इनको जंगी हिकमत अमली, तीरंदाजी, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, तलवार जनी, दुश्मन की फ़ौज पर छुपकर वार करना, ताकुब करना जैसे तमाम हरबी उलूम सिखाए थे। ये अरबों में आम रिवाज था, हर अरब जंगजू ये सारे उलूम सीखता, लेकिन वो क्या राज था कि कुरैश का एक जंगजू इस कदर बाबरकत साबित हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने उसको सैफुल्ला का लकब अता फरमाया और उन्होंने 3 साल के मुहतसर अरसे में रोमी और फारसी सल्तनतों के परहचे उड़ा दिए। बेशक सैयदना हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो के बाद इससे बेहतर जंगी हिकमत अमली तारीख में कोई ना बना सका। आने वाली सदियों में हर तहजीब के सिपा सालार सैयदना हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो की जंगी हिकमत अमली का मुतालआ करते, इस पर अमल करते और इसके मुताबिक अपनी अस्करी मनसूबाबंदी करते रहे। इसमें कोई शुबा नहीं कि सैयदना हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो एक पैदाइशी सिपा सालार थे, मगर हकीकत यह है कि उनके हैरत अंगेज़ तारीखी कारनामों के पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की दुआ और बरकत शामिल थी। एक मरतबा जब हज के मौका पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने अपने बाल मुबारक तरशवाए तो सैयदना हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने वो बाल मुबारक उठा लिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने पूछा, हालिद ये किस लिए? तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाल मुबारक मेरे पास रहेंगे
तो इंशाअल्लाह इनकी बरकत से मैं हर जंग में फतह पाऊंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ये बाल तुम्हारे पास रहेंगे, मेरी दुआ भी तुम्हारे साथ रहेगी और इंशाअल्लाह तुम हर जंग में फतह पाओगे। मुसलमानों का मैदान जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहला तारुफ उस वक्त हुआ जब गज़वा उहद में खालिद बिन वलीद कुफार की तरफ से लड़ने के लिए मैदान में आए। उस वक्त आप ईमान नहीं लाए थे और कुफार के इजाफी घुड़सवार दस्ते के सरबराह थे। गज़वा उहद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज एक पहाड़ी दर्रे पर मुतय्यन फरमाए और उनको हुक्म दिया कि जंग का जो मर्जी नतीजा निकले आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी। ये 50 तीर अंदाज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घुड़सवार दस्ते को देख कर ही मुतय्यन फरमाए थे कि जो पहाड़ की एक जानिब से मुसलमानों पर हमला आवर हो सकते थे। गज़वा उहद में जब मुसलमानों को कामयाबी नसीब होने लगी और दुश्मन पसपा होने लगे तो माल गनीमत जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। उन 50 तीरंदाजों में अक्सर ने हुक्म अदूली की और जंग का पानसा मुसलमानों के हक में पलटता देखकर अपना मोर्चा छोड़ दिया और नीचे उतर आए। हालत की अकाबी नज़रों ने यह कमज़ोरी ताड़ ली और इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। कुफार की घुड़सवार फ़ौज को मौका मिल गया कि मुसलमानों पर पुश्त से हमला कर सकें। कुफार के इस हमले के नतीजे में जिनकी क़ियादत हालत कर रहे थे 70 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो गए। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत शदीद चोट थी। खालिद बिन वलीद चूंकि बुनियादी तौर पर एक जर्नल थे, जंगी और हरबी हिकमत अमली उनकी रग रग में समाई हुई थी। इनकी इस जवाबी कार्रवाई के नतीजे में मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए। मुसलमानों को उहद की पहाड़ी की तरफ से वापस जाना पड़ा और इसी अफरा तफरी में हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शहीद हो गए। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खालिद बिन वलीद के दस्ते के दरमियान एक चट्टान की मानद खड़े हो गए। यूं उन्होंने मुसलमानों और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका दिया कि वो महफूज मुकाम यानी उहद की पहाड़ी पर चढ़ सकें, मगर सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए खुद शहादत के मरतबे पर फाइज हो गए। नज़रीन, खालिद बिन वलीद के कबूल इस्लाम से पहले भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत पसंद करते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाबे खालिद की तारीफ़ की जाती थी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि ये खसूसियात जिस शख्स में होंगी वो ज़रूर इस्लाम कबूल करेगा। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर बिन हत्ताब के बारे में कबूल इस्लाम की दुआ फरमाई थी, इसी तरह हालत के बारे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि वो इस्लाम कबूल कर लें, क्योंकि इन सलाहियतों के हामिल मुजाहिद जंगजू और जानबाज की इस्लाम को अशद ज़रूरत थी। आखिर यही हुआ कि 8 हिजरी में फतह मक्का से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर बिन अल आस और हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और इस्लाम कबूल कर लिया। तब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुशी के साथ फरमाया कि ऐ लोगो, मक्का ने अपने जिगर गोशे तुम्हारे दामन में डाल दिए हैं। कबूल इस्लाम के बाद सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास निगाह करम फरमाई और आपको सैफुल्ला का खिताब अता फरमाया। ये सिर्फ एक खिताब ही नहीं था बल्कि इसके साथ दुनिया व माफीहा की तमाम रूहानी और बातनी कुवतें भी इस सिपा सालार को अता कर दी गई थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया के ज़माना जाहलीत में मुझसे जो गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं मैं उनकी मगफरत तलब करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत दी कि तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। इसके बाद खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अहद किया कि अब उनकी तलवार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम रुकाबी में ही
बेनियाम रहेगी और वो दीन की सरबुलंदी के लिए ही जहाद करेंगे। और इसमें कोई शुबा नहीं कि फिर उन्होंने सैफुल्ला होने का हक अदा। जो मारके हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और इजाज़त से लड़े, उनमें एक जंगे मोता भी थी। जंगे मोता के बारे में एक अहम बात यह है कि जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इस लश्कर की क़्यादत की तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बशारत दे दी थी कि अगर ज़ैद शहीद हो जाएँ तो जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अलम संभालेंगे, और अगर जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शहीद हो जाएं तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी जगह पर परचम उठा लें, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो फिर मुसलमान जिसको चाहें अपना अमीर मुंतहिब कर लें। और फिर मैदान जंग में इसी तरह हुआ। हज़रत ज़ैद हज़रत जाफ़र की शहादत के बाद बिलआख़िर सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमान फ़ौज की क़्यादत संभाली, और एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में होने के बावजूद फ़ौज को बाहिफाजत दुश्मन के नरगे से निकाल लाए। जंगे मोता में ही पहली मरतबा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी लश्कर के सपा सालार के तौर पर उभरे। फतह मक्का के मौका पर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लश्कर लेकर मक्का की जानिब रवाना हुए तो तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके हमरा थे। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी एक लड़ाका दस्ता दिया गया था। जब मुसलमान फौजें नौ अतराफ से मक्का में दाखिल हुईं तो आठ अतराफ से तो कुफार ने कोई मुज़ाहमत ना की, मगर सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दस्ते की कुफार से शदीद झड़प हुई। इस मुज़ाहमत में कई काफ़र मारे गए। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फातिहाना शान से ज़िरा पहने हुए तलवार थामे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सामने से गुज़रे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये कौन हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तारुफ करवाया कि ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद की सलाहियतों, जानबाजी, दलेरी, खुद एतमादी और आज़ाद तबीयत को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे। इन गलतियों पर के जिन पर किसी और सहाबी की सख्त सरजनिश की जाती, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरगुजर कर लिया जाता। फतह मक्का के मौका पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि कोई झड़प ना हो। इसके बावजूद भी सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफार से झड़प की तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस बारे में सवाल किया गया। आपने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, उन्होंने हम पर हमला करके हमें लड़ने पर मजबूर किया। इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बात को बहुत प्यार से टाल दिया कि जो हुआ सो हुआ, और सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कोई मजीद सरजनश नहीं की गई। इसी तरह एक और मौका ऐसा आया जब सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार से कुछ ऐसे लोग कत्ल हो गए कि जिनके बारे में शक था कि वो काफिर हैं या मुसलमान। जब इसकी इतला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपको बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुछ नहीं कहा गया, और जो लोग कत्ल हुए उनके वरसा को इसकी देत यानी खून बहा भिजवा दिया गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मुआमलात करते वक्त बहुत एहतियात से बर्ताव करना पड़ता था। जाहिर है कि जो शख्स इतना आज़ाद, दलेर, शुजा हो और अपनी एक मुनफरद राय रखता हो, फिर उसको ये एतमाद भी हो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो फिर वो किसी और के काबू में आने वाला नहीं होता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उनसे बहुत एहतियात से बर्ताव करते, और उस दौर में भी हज़रत खालिद अपनी जंगी कार्रवाइयों में बहुत हद तक खुद मुख्तार थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चूँकि उनके दोस्त, रिश्तेदार और हम उमर भी थे, लिहाजा उनके साथ उमर का बहसो मुबासा हो जाया करता था, मगर इसके बावजूद आपस में अदब, प्यार और मोहब्बत बे इंतहा थी। फतह मक्का के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हर गजवा में सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हम रुकाब रहे।
غزوہ حنین کے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اس کے موقع پر جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اثر نو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا بھی فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خون ریز جنگیں لڑیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، بہت سے قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپاہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد ہی تھے۔ مسلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی منتخب کیا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خون ریز جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کر دیا گیا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان مہمات کو سر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو جنگ کے میدان میں حاصل ہوئی تھیں، اس سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہ سکتی تھی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور بہت اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سر نگوں ہو کر جزیہ دو، ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں کہ جتنا تم اپنی زندگی کو۔ اسی طرح ایک بازنطینی سپاہ سالار کو، جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے میں بند کر لیا تھا، اس کے نام خط میں آپ نے لکھا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایا کر سکیں۔ یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جنگی نعرہ یہ تھا، میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاصد کی شکل میں آیا اور ایک جھوٹا منصوبہ پیش کر کے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس شخص کی روح ہی فنا ہو گئی۔ جب مرتدین کی سرکوبی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ایران اور عراق کی طرف بھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی منتخب کیا۔
मुसलमानों को ये बशारत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही मिल चुकी थी कि मुसलमान ईरानी और रोमी सल्तनतों पर कब्जा कर लेंगे। आपको सराकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस याद होगी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा मक्के से हिजरत करके मदीने की जानिब रवाना हुए तो सराकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घोड़े पर उनका ताकुब किया था। उस वक्त सराकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि एक वक्त आएगा कि किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में होंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात के शाहिद थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीसे मुबारक की तकमील का आगाज सैयदना हालद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इसी मुहिम के नतीजे में हुआ। इससे पहले कि हम हालद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जंगी और हरबी हिकमत अमली पर बात करें, कुछ रोशनी हजरत हालद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नफ्सियात पर भी डालते हैं। हज़रत हालद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जितना एतमाद अल्लाह और उसके रसूल की रूहानी ताईद पर था, इतना तो उनको अपनी जंगी हिकमत अमली पर भी ना था। हज़रत हालद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक अपनी टोपी में सी लिए थे और वो अपने आहनी कवर के नीचे वही टोपी पहना करते थे। जंगे यरमूक में एक मौका पर वो टोपी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर से गिर गई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग के दौरान लाशों के बीच इसी को ढूंढते रहे, मगर रूमी फ़ौज के दबाव की वजह से पीछे हटना पड़ा। हज़रत हालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों का एक दस्ता तैयार किया और दोबारा हमला करके रूमियों को पसपा किया और अपनी टोपी दोबारा हासिल की। जंग के बाद लोगों ने एतराज़ भी किया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक टोपी की खातिर कई मुसलमानों की जानें ज़ाया करवा दीं, तो सैयदना हालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि यह टोपी नहीं बल्कि मेरी ताकत का सर चश्मा है, क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक परोए हुए हैं। एक और वाक़िया है कि जंग शुरू होने से पहले हज़रत हालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईरानी सिपा सालार से बातचीत हो रही थी। उसने कहा कि आप हमसे क्यों लड़ते हैं, हमारी तलवारों में तो ऐसा जहर लगा हुआ है जो जिस्म को छू जाए तो इसे गिलाकर हराब कर देगा। सैयदना हालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जहर की शीशी ली और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर वाली दुआ पढ़कर इसे पी गए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ भी ना हुआ, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कामिल यकीन था कि जो काम अल्लाह ने आपसे लेना है वो हर हाल में लिया जाएगा। अल्लाह की तलवार काफरों के हाथों नहीं टूटेगी। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की बरकत भी थी, जिन्हें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त अपने वजूद के साथ जोड़ कर रखते थे। एक बार हज़रत हालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी मामले में तकलीफ़ भी उठाना पड़ी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी दलील भी यही दी कि आज ये तकलीफ़ मुझे इसलिए हुई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक मेरे सर पर नहीं हैं। ये बात बिल्कुल वाज़े है कि जो जंगी हिकमत अमली और मनसूबा बंदी सैयदना हालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते थे, इसमें पुख्तगी इस यकीन और एतमाद की वजह से ही थी जो रूहानी तौर पर उनको दिया गया था। इस नुक्ते को समझना बहुत अहम है। मादी दुनिया से मुतल्लिक हिकमत अमली बनाने में जब रूहानी अवामिल शामिल होते हैं तो वो गैर मामूली कुव्वतें जन्म लेती हैं कि जो इंसान की अकल को दंग कर देती हैं और ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जाते हैं जो इंसानी ताकत से बाहर होते हैं। इस्लामी तारीख ऐसे सैकड़ों वाक़ियात से भरी पड़ी है। सैयदना हालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल करते थे वो बहुत जारहाना होती थी। वो दुश्मन पर हल्का हाथ रखने पर यकीन ही नहीं रखते थे। जब उनकी झड़प होती तो इंतहाई होन रेज होती। वो इस बात पर यकीन रखते थे कि या तो बातचीत के ज़रिए मामला तय कर लिए जाएँ और अगर तलवार निकालना ही पड़ जाए तो फिर ज़मीन दुश्मन के खून से अच्छी तरह सुर्ख होनी चाहिए। एक दफ़ा जब जंग में दुश्मन ने धोखे से कुछ मुसलमानों को एक जगह शहीद कर दिया तो इस मौका पर हज़रत हालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह से वादा किया कि जितने भी दुश्मन पकड़े जाएंगे उनको इसी जगह लाकर कत्ल किया जाएगा।
चुनाचे बाद में दुश्मन को दूर दूर से गिरफ्तार करके वापस इसी मुकाम पर लाकर कत्ल किया गया, क्योंकि आप रजी अल्लाह ताला उन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि दरिया को उनके खून से सुर्ख कर दूंगा। इस जंग में सैयदना हालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की क्यादत में मुसलमानों ने 70,000 दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया। जंगे सलासल भी बहुत मशहूर मुहिम है कि जिसमें ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों से बांध लिया था ताकि मुसलमान फौज को चारों तरफ से घेरे में ले लिया जाए और उन्हें भागने का मौका ना दिया जाए। लेकिन बड़ी बड़ी सल्तनतों की फौजों में सबसे बड़ी हामी ये थी कि उनकी नकलो हरकत भी सुस्त होती। इसके बरअक्स मुसलमान फौज जिस तेज रफ्तारी से हरकत करती थी, इसकी सिर्फ एक मिसाल देना ही काफ़ी है कि एक मर्तबा एक मुसलमान कमांडर ने सैयदना हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को हत लिखा कि मैं दुश्मन के साथ बरसरे पेकार हूँ, मुझे आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की मदद की ज़रूरत है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसी कासिद को हत देकर भेजा कि जाओ उससे कहो कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुँच रहा हूँ। वो कासिद वापस पहुंचा और हत खोल कर पढ़ा। जब सर उठाया तो उफक पर हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की फौज नजर आ रही थी, यानी कासिद के घोड़े की गर्द भी नहीं बैठी थी कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो मदद के लिए पहुंच चुके थे। अगर आप हालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के दस्ते या फौज के सिपाही हैं तो आराम आपके लिए नहीं है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो किसी गाँव या शहर पर हमला करने के लिए जाते और दुश्मन अपनी फौजें उस तरफ लेकर जाता तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो रुख तब्दील करके इस शहर पर हमला कर देते कि जो हाली होता था। फिर दुश्मन की फौज के लिए ये मुमकिन ही ना रहता कि इतनी तेज़ी से हरकत कर सके। आजकल भी फौज की तेज़ नकलो हरकत जंग में बहुत फैसला कुन किरदार अदा करती है। नाज़रीन, हज़रत हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जब जंग में जाते तो दुश्मन को बिल्कुल कुचल कर रख देते, किसी दुश्मन को इस काबिल ही ना छोड़ते कि वो दूसरी फौज के साथ मिलकर दोबारा उनके खिलाफ कोई मुज़ाहमत कर सके। जासूसी का ऐसा निज़ाम के पूरे इराक में दुश्मन की कोई भी हरकत होती तो सैयदना हालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को इसकी इतला पेशगी पहुँच जाती। रसद का निज़ाम ऐसा कि पूरे मुल्क में जहाँ भी मुसलमान फौज हरकत करती वहाँ रसद की कोई कमी ना रहती। हज़रत हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से हमेशा ऐसी जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल की जाती कि जिससे ईरानी ना वाकिफ होते। ईरानी सफ दर सफ बराह रास्त फौजों के तसादुम के आदि थे, जबकि सैयदना हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो छापा मार कार्रवाइयाँ यानी गुरेला वारफेयर पहाड़ों के पीछे से छुप कर दुश्मन को हैरान करके और उसे थका कर इसके साथ तसादुम किया करते। जहाँ तक ज़ाहरी जंगी हिकमत अमली का ताल्लुक है तो वो इतनी गैर मामूली थी कि सल्तनत फारस ने अपने आला तरीन जनरल आपके मुकाबले के लिए भेजे, लेकिन सिर्फ चंद माह के अरसे में ही सैयदना हालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूरा इराक फतह कर लिया। दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि कोई सिपा सालार इस किस्म के हतरात मोल ले सकता है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जान पर खेल कर ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम देते थे कि दुश्मन हक्का बक्का रह जाता। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेजिगरी और बेखौफी मिसाल बन गई थी। लोग हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की मिसालें दिया करते कि अगर दलेरी की आखिरी हद देखनी है तो सैफुल्लाह को देखो। जंगे यरमूक के मौका पर जब 60,000 गुस्सानी ईसाइयों का लश्कर मुसलमानों के लिए दर्द सर बना हुआ था तो इस मामले से निपटने के लिए जंगी शूरा का अजलास बैठा। इसमें सैयदना हालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह तजवीज़ पेश की कि दुश्मन को परेशान करने और शिकस्त देने के लिए 30 मुजाहिदीन के हमरा बराह रास्त उन पर हमला करूँगा। बज़ाहिर ये जुनून लगेगा कि 60,000 के लश्कर के लिए आप 30 मुजाहिदों के साथ हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन जंगी शूरा में मौजूद दीगर सालारों का जवाब इससे भी ज़्यादा हैरान कन था। इस तजवीज़ के जवाब में पूरी जंगी शूरा ने मुतफिक्का तौर पर यह फैसला किया कि हालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का फैसला दानिशमंदाना नहीं है, लिहाजा 30 के बजाय 60 मुजाहिदीन भेजने चाहिए। इसके बाद तारीख ने यह नज़ारा भी देखा कि हालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो 59 दीगर मुजाहिदीन के साथ 60,000 के लश्कर पर टूट पड़े और उन्हें नाकों चने चबवा दिए। बज़ाहिर ये नामुमकिनात में से था। जो काम दुनिया का कोई जर्नेल कमांडर हरबी माहिर और मनसूबा साज
और जंगी तज्जिया निगार सोच भी नहीं सकता हालत रजी अल्लाह ताला अन्हो इसको आम तौर पर कर गुजरते थे। ईरानी सल्तनत की सरहदें मगरब में रूमी सल्तनत से मिलती थीं। जब दोनों ताकतों को मुसलमानों से ख़तरा महसूस हुआ तो उन्होंने अपनी फ़ौजें इकट्ठी कर लीं। ये पहला मौका था कि रूमी और ईरानी सल्तनतें एक दूसरे की इत्तेहादी बनकर मुसलमानों के मुकाबले पर आईं। अल्लाह के फजल से सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो इन दोनों सल्तनतों से टकराए और उनको शिकस्त भी दी। फतेह इराक की खुशखबरी जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो तक मदीने में पहुंची तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना में ऐलान करवाया कि मुबारक हो, तुम्हारे शेर ने ईरानी शेर को जेर कर लिया है। माएँ क्यामत तक खालिद जैसा बेटा पैदा नहीं कर सकती। ये वो वक्त था जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने शाम में भी मुहिम जोई शुरू कर दी थी। मुसलमान दस्तों को ये हुक्म था कि सिर्फ जासूसी करें, ज़्यादा आगे तक न जाएं और जहाँ तक मुमकिन हो तसादुम से गुरेज करें। लेकिन जब हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के कारनामों की खबर मुसलमानों को पहुँची तो कुदरती तौर पर शाम में मुसलमान कमांडरों में भी कोई मारका सर अंजाम देने का वलवला पैदा हुआ। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों के वो दस्ते जो शाम गए थे रोमियों के घेरे में आ गए। शाम उस वक्त बाज़ंतीनी सल्तनत का सूबा था जिसका मरकज़ कुस्तनतीनिया था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस्तनतीनिया की फतह की बशारत भी दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो फौज इसको फतह करेगी वो जन्नत में जाएगी और जो अमीर इसको फतह करेगा वो जन्नती होगा। लिहाजा जिस तरह मुसलमानों को ईमान की हद तक यकीन था कि वो ईरान पर कब्जा करेंगे, इसी तरह मुसलमानों को ये भी यकीन था कि वो बाज़ंतीनी सल्तनत पर भी कब्जा कर लेंगे। यही वजह थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों मुहाजों पर बयक वक़्त लश्कर रवाना किए। हालत रजी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त इराक में थे। वो मुसलमान जो शाम गए थे दुश्मनों के घेरे में आ गए और उन्हें कुमक की ज़रूरत थी। तब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हद के ज़रिए सैयदना खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि इराक का महाज दूसरे सहाबा के हवाले करें और शाम में महसूर मुजाहिदीन की मदद के लिए रवाना हो जाएं। सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को जब ये हथ मिला तो उन्होंने फिर ऐसा काम किया कि जो जंगी हिकमत अमली के तहत नामुमकिनात में से था। कोई जंगी हिकमत अमली का माहिर या सिपा सालार वो काम करने का सोच भी नहीं सकता था। इराक से शाम जाने के दो बाकायदा रास्ते थे। एक रास्ते पर रूमी किले बने हुए थे और वहां से बगैर जंग के गुजरना मुमकिन न था। दूसरा रास्ता बहुत तवील था और वहां से शाम के मुजाहिदीन तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता। एक तीसरा रास्ता रेगिस्तान से होकर जाता मगर ये रास्ता कोई भी इस्तेमाल ना करता क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक था। कोई भी फौज या काफिला इस रास्ते से गुजर ना सकता था क्योंकि इस रास्ते में पानी का मिलना मुहाल था। गर्मी में रास्ता भूलने का अंदेशा भी था और भटक जाने की सूरत में मौत यकीनी थी। सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसी ख़तरनाक रास्ते से गुजरने का फ़ैसला किया और फिर वो काम किया कि जो अरब की तारीख में इससे पहले कभी नहीं किया गया। एक बूढ़ा अरब के जो कई बरस पहले इसी रास्ते से गुजरा था उसको फौज का रहनुमा या गाइड बनाकर पूरी फौज लेकर इसी रेगिस्तान में दाखिल हो गए। कई रोज़ की शदीद मुसाफत के बाद जिसमें धूप की शिद्दत से वो बूढ़ा अरब भी नाबीना हो चुका था जिसके बायस पूरी मुसलमान फौज के तबाह होने का खतरा पैदा हो गया था, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो हैरत अंगेज तौर पर बिल आहिर शाम जा पहुंचे। हालत रजी अल्लाह ताला अन्हो को ईमान की हद तक यकीन था कि ये रेगिस्तान उनका रास्ता नहीं रोक सकेगा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के परचम पर उकाब बना हुआ था। वो शाम में जब दाखिल हुए तो जिस वादी से गुजर कर गए वहां अपना परचम नस्ब कर गए। आज तक इस वादी को सनीतुल एकाब कहा जाता है यानी अकाब वाली पहाड़ियां। सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल के कई सौ साल बाद तक भी वो परचम वहां नस्ब रहा। अब्बासी हलीफा मोतसिम जब इस इलाके से गुजरा तो किसी ने उसको वो झंडा दिखाया कि जो किले पर लगा हुआ था। इसको बताया गया कि ये वो झंडा है जो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हाथ से लगाया था। तो हलीफा इसी जगह पर उतरा,
इस झंडे को बोसा दिया और अपनी तमाम फौज को हुक्म दिया कि जो कोई भी इस इलाके से गुजरे इस झंडे के एहतराम में बादब पैदल गुजरे। इसके बाद जब मुसलमानों का जवाल हुआ तो वो झंडा भी अपनी जगह से उखड़ गया। ये हालत बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो शानदार कारनामा था कि जो तारीख के औराक में सदियों तक सुनहरे हरूफ से लिखा गया। नजरीन, इससे पहले कि हम शाम की मुहिम पर बात करें, इस माहौल और इन वाकयात पर बात करना भी ज़रूरी है कि जिसमें आलमी सतह पर ये मुहिम और हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की फतुहात अमल पजीर हो रही थी। कुरान में सूरह रोम में गलबतुल रोम के हवाले से जो आयात आई हैं वो फारसी और रोमी सल्तनतों के आपस में तसादुम के हवाले से हैं। कुरान में ये दर्ज है कि रोमियों और ईरानियों की जो जंग जारी है इसमें रोमियों को शिकस्त होगी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद रोमी खुद को मुनज़्ज़म करके दोबारा हमला करेंगे और ईरानियों को शिकस्त होगी और मुसलमान खुश हो जाएंगे। कुरान पाक में रोमी और फारसी सल्तनतों की आपस की जंगों के मुतल्लिक बात की गई है कि जो उस वक्त की आलमी ताकतें थी और सदियों से कायम थीं, यानी दुनिया के तमाम तजारती रास्ते मशरक़ वस्ता, अफ्रीका, यूरोप और मशरक़ की तरफ, ईरान से लेकर हुरासान और हिंद की सरहद तक के तमाम इलाके इन्हीं दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम थे। कुरान पाक में खास तौर पर बड़ी कुव्वतों के तसादुम और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल का जिक्र करने का मकसद ये है कि मुसलमान आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों और बैनुल अक्वामी ताकतों के माबैन तसादुम के नतीजे में वकू पजीर होने वाले हालात व वाकयात पर नज़र रखें। आलमी जुग्राफियाई सियासत और हरबी हिकमत अमली को समझना और इससे फ़ायदा उठाना हमारे दीन और ईमान का हिस्सा बना दिया गया है। दूसरी तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ बशारतें अता फरमाई थीं। ईरान के हुसरो परवेज़ ने जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक यानी हत फाड़ कर फेंका तो उसी वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि कुछ ही अरसे में इस हत की मानिंद इसकी रियासत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। फिर हजरत सराका को किसरा के कंगन पहनने की बशारत और मुसलमानों को कुस्तनतिनिया फतह करने की नवीद मिलना, इसी तरह के बहुत से हालात वाकयात रोनुमा हुए थे जिनकी वजह से मुसलमानों को ईमान की हद तक यकीन था कि कुछ ही अरसे में मुसलमान फारस और रोम जैसी अजीम सल्तनतों के साथ टकराएंगे और इन पर गालिब भी आ जाएंगे। फितना इर्तदाद के हाथमे के बाद जजीरा नमाए अरब में इस्लाम का मुकम्मल तौर पर गलबा हो चुका था, मगर उस वक्त तक मुसलमानों ने कोई अस्करी मुहिम जजीरा नमा अरब से बाहर निकल कर नहीं की थी। इसके लिए गैर मामूली फरासत, तदब्बुर और जुरत की ज़रूरत थी। ईरानी सल्तनत के जो कई सदियों से कायम व दायम थी अब उसके खिलाफ एक मुहिम रवाना की जानी थी। इसके लिए हजरत सैयदना हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु से बेहतर इंतहाब हो ही नहीं सकता था। यहाँ एक बात बहुत अहम है, जंगी कानून का एक बुनियादी पहलू ये है कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो अस्करी तनासब 5:1 या कम अज कम 3:1 होना चाहिए, यानी आपकी फौज दुश्मन की फौज से 5 गुना या कम अज कम 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए ताकि इसके दिफा को रोंदने के बाद भी आपकी फौज के पास इतनी इजाफी फौज मौजूद हो कि आप इसके मुल्क पर कब्जा करके इसका नज्म व नस्क चला सकें। दुनिया की तमाम फौजें आज भी इसी हिकमत अमली पर अमल करती हैं। रोमी और फारसी सल्तनतें भी इसी तरीक़ाकार पर कारबंद थीं। ये फैसला करने के लिए कि मैदान जंग में फतह या शिकस्त किसका मुकद्दर होगी, उनके नज़दीक भी अददी और अस्करी बरतरी बहुत अहमियत की हामिल होती थी। इनके तमाम जर्नैल अपनी फौजी और अस्करी हिकमत अमली की बुनियाद इसी बात पर रखते थे कि अददी बरतरी किसके पास है और फौजी हथियार और साजो सामान किसके पास ज़्यादा है। एक बहुत बड़ा अंसर के जो मुसलमानों के हक में जाता था वो ये था कि रोम और ईरान एक दूसरे से लड़ लड़ कर थक चुके थे। सल्तनत फारस के हवाले से एक और अहम अंसर ये था कि वहाँ तवायफुल मलूकी फैली हुई थी, इसका मरकज कमज़ोर हो चुका था और सूबे बिखर रहे थे। अगरचे अभी भी अफवाज फारस बहुत बड़ी ताकत की सूरत में अपनी जगह पर मौजूद थीं, लेकिन उनका मरकज़ कमज़ोर हो जाने की वजह से ऐसी फैसला साजी
कि जो एक मजबूत सल्तनत को इकट्ठा रखने के लिए ज़रूरी थी उसका फुकदान था। इन हालात में जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो को ईरान पर यलगार करने के लिए भेजा गया तो उन्होंने वो कुछ किया जो इससे पहले या इसके बाद हरबी और अस्करी तारीख में कभी नहीं देखा गया। उन्होंने तमाम जंगी कवानीन नए अंदाज से लिखे। 1400 साल गुजरने के बावजूद आज भी दुनिया हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो की जंगों से सबक सीखती है। इसमें कोई शुबा नहीं कि बाद में आने वाले मुसलमान सल्तनतों ने सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो की इतनी कदर नहीं की जितनी मगरबी दुनिया अपने सिपा सालारों और जर्नैलों की करती है। हकीकत यह है कि दुनिया के बड़े बड़े जर्नैल और सिपा सालार मसलन सिकंदर आजम, चंगेज खान, तैमूर, हत्ता के जदीद दौर के नामवर जर्नैल भी जैसे रोमैल, मिंटगुमरी, डगलस, मैकार्थर वगैरह शामिल हैं। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो के सामने तिफले मकतब नज़र आते हैं। जब मुसलमानों ने इराक, जो उस वक्त सल्तनत फारस का सूबा था, उस पर हमला किया तो जो फौज भी मुसलमानों के मुकाबले पर आई वो उनसे कम अज़ कम 5 गुना बड़ी होती। हालांकि जंगी असूल तो ये था कि यलगार करने वाली फ़ौज को 5 गुना ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिफाई फ़ौज 5 गुना ज़्यादा होती। इसके अलावा मुसलमानों के पास अस्करी वसाइल, साजो सामान और हथियारों का तनासुब भी ख़तरनाक हद तक कम होता। मुसलमानों की वो फ़ौज एक गैर मामूली फ़ौज थी कि जिसमें ना कोई अफसर था ना कोई जवान। जिसकी ज़रूरत होती इसको अफसर लगा दिया जाता, जब वो माजूल होते तो सिपाहियों की सफ़ में आ जाते। ये तमाम फ़ौज जज्बा जहाद से सरशार और रज़ाकार फ़ौज थी कि जिसको तनख्वाहें भी नहीं मिलती थीं। इस फ़ौज के पास इतनी बड़ी मुहिम के लिए ना जंगी साजो सामान था और ना ही वसाइल। जिसको घोड़ा मिल गया वो घोड़े पर सवार हो गया, जिसको ऊँट मिला वो ऊँट पर बैठ गया। इनके पास तीर अंदाजी के सामान, तलवारों और नेज़ों के अलावा कोई जदीद भारी जंगी साजो सामान भी ना होते। मुसलमानों की फ़ौज में ना कोई हाथी थे और ना ही मंजनीकें, ना ही घोड़ों से चलने वाली जंगी रथ। फ़ौज के पास कोई बाकायदा यूनिफॉर्म भी नहीं थे, सिर्फ पुराने फटे कपड़े, यहाँ तक के ढालें भी ना होने के बराबर थीं। बाज़ुकात तो तलवारें भी बगैर नयाम के ही होतीं, इनके गिर्द सिर्फ कपड़ा लपेटा होता। अंदाज़ा कीजिए ये वो फ़ौज थी जो सैयदना खालिद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो की क़्यादत में जज़ीरा नुमा अरब से निकल कर दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत फ़ारस को चैलेंज करने जा रही थी। इराकी मुहिम के दौरान जो जंगें लड़ी गई थीं उनमें हलाकतों का तनासुब इंतहाई हैरान कुन था। एक तरफ सल्तनत फ़ारस की मजबूत तरीन फ़ौज थी और दूसरी तरफ ये फटे पुराने कपड़ों में मलबूस एक रज़ाकार फ़ौज के जो जज्बा इस जहाद से सरशार थी कि जिसने उस वक्त की मालूम अस्करी हिकमत अमलियों की धजियाँ उड़ा कर रख दीं। इनके पास ना वसाइल थे ना ही अददी बरतरी। ये जंग भी अपने वतन से सैकड़ों मील दूर जाकर लड़ रहे थे, जिसकी वजह से रसद और कुमक का रास्ता भी हासा तवील हो गया था। मगर इसके बावजूद जब जंग होती तो हलाकतों का तनासुब कुछ यूं होता कि जैसे 50,000 दुश्मन जहन्नुम वासल और सिर्फ 400 मुसलमान शहीद, यानी हलाकतों का तनासुब ही अकल दंग कर देने वाला होता। आज तक दुनिया के तमाम अस्करी माहिर ये समझने से कासिर हैं कि इस कदर कलील फ़ौज के साथ मुसलमान किस तरह इतनी बड़ी तादाद में दुश्मनों को हलाक करने के काबिल होते थे, जबकि उनका अपना नुकसान ना होने के बराबर होता। दुनिया का कोई सिपा सालार या जर्नैल तारीख के किसी भी दौर में ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकता कि जैसी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ने करके दिखाई। ये दुरुस्त है कि रोमी और फारसी सल्तनतों में तवायफुल मलूकी थी, मगर इसके बावजूद भी वो बड़ी ज़बरदस्त कुवतें थीं। लिहाजा सिर्फ अस्करी नुक्ता नज़र से ये वजाहत नहीं की जा सकती कि क्यों मुसलमान हर जंग में उनको इस बुरी तरह शिकस्त देते। हालांकि वसाइल और अददी एतबार से भी मुस्लिम अफवाज दुश्मन से कई गुना कम होती। इसका जवाब अस्करी पहलू में नहीं, सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो की रूहानी क़्यादत में है। जो कुछ भी इन जंगों में हो रहा था इसको किसी जंगी कायदे के तहत नहीं समझा जा सकता। जब तक इस रूहानी पहलू को ना समझा जाए जो सैफुल्लाह को हासिल था, मुसलमानों को नफ्सियाती फ़ायदा भी हासिल था क्योंकि शुरू में एहसास बरतरी
और तकबर से सरशार फारसी फ़ौज ने मुसलमानों को कुछ समझा ही नहीं। वो समझे कि रुपये पैसे मालो दौलत के चक्कर में कुछ लुटेरे आ गए हैं जो हमारे मुल्क में लूट मार करना चाहते हैं। इन्हें तो हम अपने छोटे छोटे कमांडरों के ज़रिए ही ठिकाने लगा देंगे। इस एहसास बर्तरी के इल्ज़ाम में मुब्तला फारसी मनसूबा साज मुसलमानों की इस हरबी ताकत को समझ ही ना सके कि जिसकी बुनियाद इस्लाम की अहलाकी और रूहानी असास पर थी। इन तमाम हालात में शाम की हैसियत गैर मामूली थी। उस ज़माने में मुल्क शाम में मौजूदा उर्दन, लबनान और फ़लस्तीन भी शामिल थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बैतुलमक़दस यानी यरूशलम में हुई, लिहाजा तमाम ईसाई दुनिया के लिए बैतुलमक़दस को वही हैसियत हासिल है जो मुसलमानों के लिए मक्का व मदीना की। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ तो उस वक्त इस तमाम इलाके पर रूमी हुक्मरानी कर रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद जब रूमी सल्तनत ने भी ईसाइत कबूल कर ली, आज भी इस्तंबोल में आया सोफिया का 900 साल पुराना कलीसा है कि जो आज भी उस बाज़ंतीनी सल्तनत की निशानी के तौर पर मौजूद है जिसको पहले लाइब्रेरी और अब मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। आने वाली सदियों में तमाम सलेबी जंगों का मरकज भी कुस्तनतीनिया हुआ करता था जो कि बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। ये सलेबी एशियाई कूचक और तुर्की के रास्ते आया करते और शाम, मिस्र और बैतुल मुकद्दस पर हमला आवर होते। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इराक में अपनी अस्करी मुहिम जोई शुरू की और इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें शाम जाने का हुक्म दिया, तो उस वक्त शाम रोमी बाज़ंतीनी सल्तनत का एक बहुत बड़ा सूबा था। बुनियादी तौर पर वहाँ जितने भी बाज़ंतीनी कमांडर थे वो यूरोप से आया करते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शाम की मुहिम रोमियों के साथ मुसलमानों का पहला बड़ा तसादुम था। इस तसादुम में शाम में मौजूद तमाम रोमी फ़ौज शरीक थी कि जिसकी क़्यादत कुस्तनतुनिया का हुक्मरान हरकुल यानी हरकुलेस खुद कर रहा था। बाज़ंतीनी सल्तनत के सूबे आर्मीनिया से यूरोप तक फैले हुए थे। इस रोमी फ़ौज में आर्मीनी, अंग्रेज़, फ्रांसीसी और जर्मन दस्ते अपने अपने कमांडरों के हमरा शामिल थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फ़ौज को शाम की तरफ भेजा, उस वक्त शाम की सारी आबादी ईसाई थी कि जिसमें अरब ईसाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद भी शामिल थी। इसके अलावा पारसी यानी मजूसी भी बहुत बड़ी तादाद में आबाद थे। इस सारी सूरत हाल में जंगी मुहिम के लिए सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ भेजा गया। शाम में पहले से मौजूदा दस्तों में से एक की क्यादत जलीलुल कदर सहाबी अमीनुल उम्मत हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जराह कर रहे थे कि जो अशरा मुबशरा में से हैं। मुख्तलिफ जानिब से मुसलमानों के कई दस्ते के जो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे मुल्क शाम पहुँच रहे थे। उनके मुकाबले में हरकुल ने एक बहुत बड़ी फ़ौज इकट्ठी करना शुरू कर दी थी। चुनाचे खतरा पैदा हुआ कि चूंकि मुसलमानों के दस्ते आसपास के इलाकों में बिखरे हुए हैं इसलिए वो रोमी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इन तमाम दस्तों को इकट्ठा होने ही ना दिया जाए और एक एक दस्ते को अपनी अपनी जगह पर हमला करके तबाह कर दिया जाए। हरकुल की हिकमत अमली भी यही थी कि वो भारी लश्कर के हमरा इन मुसलमान दस्तों को मिलाने वाले रास्तों को मुनक़ता कर दे। वो मुसलमान लश्करों को तकसीम करके ख़त्म करना चाहता था। जब ये इत्तला सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँची तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन शाम पहुँचे और वहाँ के लश्करों की क़्यादत संभालें। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रेगिस्तान से होते हुए शाम में दाखिल हो गए। शाम पहुंचकर सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले हज़रत अबू उबैदा बिन जराह से राबता किया और फिर दोनों अफवाज आपस में मिल गईं। आपस में बैठकर सलाह मशवरा करके जंगी हिकमत अमली तैयार की गई और फैसला किया गया कि तमाम मुसलमान फौजें फिलफौर इकट्ठी हों ताकि अकेले अकेले दुश्मन के नरगे में आने की बजाय एक बड़ा लश्कर तश्कील दिया जा सके
जो बराह रास्त रूमी सल्तनत के कल्ब यानी दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश करे। दमिश्क पर कब्जा करने की सूरत में शाम पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाता। शाम के बड़े बड़े शहरों यानी दमिश्क, अंताकिया, बैतुलमुकद्दस और समंदर के साथ साथ लेबनान में बेरूत के आसपास के इलाकों में बड़े बड़े किले और शहर आबाद थे। शाम बाज़ंतीनी सल्तनत का सबसे खूबसूरत सूबा था और यही वजह थी कि वो बहुत शिद्दत से उसका दिफा कर रहे थे। चुनाचे पहले मुसलमानों की रोमियों से छोटी छोटी झड़पें हुईं और चंद एक छोटे किलों पर कब्जा किया गया। इसके बाद मुसलमानों ने बराह रास्त दमिश्क का मुहासरा कर लिया। दमिश्क का मुहासरा जारी था कि मुसलमानों को खबर मिली कि रूमी बादशाह हरकुल ने अपनी फौजों को इस तरह तरतीब दिया है कि वो मुसलमानों को पुश्त से घेरना चाहता है और अजना दीन के मुकाम पर रूमी फौजों को जमा कर रहा है। मुसलमानों ने जब ये देखा कि दमिश्क का मुहासरा तवील होता जा रहा है तो हालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फौजों को लिया और हज़रत अबू उबैदा के साथ अजना दीन की जानिब बढ़ना शुरू किया कि जहां पर मुसलमानों की रोमियों के साथ एक बहुत बड़ी और फैसलाकुन जंग होने वाली थी। लेकिन इससे पहले एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। मुसलमानों का कैंप और लश्कर जब दमिश्क के मुहासरे को छोड़कर वापस पलटा तो इसके आखिर में मुसलमान औरतों के कैंप पीछे रह गए। सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जब थोड़ा आगे निकल आए तो रोमी किले से बाहर निकल कर इस कैंप पर हमलावर हुए कि जिसमें मुसलमान औरतें थीं। इन हमलावरों की तादाद तकरीबन 6,000 थी। रोमियों ने मुसलमान औरतों के हैमों को घेर लिया। इनमें हज़रत होला रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थी कि जो मशहूर सहाबी हज़रत जर्रार की बहन थी। उन्होंने तमाम मुसलमान हवातीन को हिम्मत दिलाई और वो हैमू के डंडे और चोबे निकालकर रोमियों से मुकाबले के लिए तैयार हो गईं। रोमियों का ख्याल था कि वो मुसलमान औरतों को जिंदा गिरफ्तार करके दमिश्क के किले में ले जाएंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को जब ये इत्तला मिली तो वो फौरन पलटे और सिर्फ मुट्ठी भर मुजाहिदीन के साथ गैज़ो गज़ब के आलम में क़यामत बनकर कुफार पर टूट पड़े। कुफार को अंदाज़ा ही नहीं था कि उन्होंने किसको छेड़ दिया है। एक तरफ तो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो थे कि जिनका जाहो जलाल अपनी इंतहा को छू रहा था कि रोमियों ने मुसलमानों की इज्जत पर हमला किया है, और दूसरी तरफ हजरत जर्रार का जलाल के जिनकी जान से प्यारी बहन रोमियों के चुंगल में फंसी हुई थी। रोमियों को अंदाजा भी ना हुआ कि कहां और किस तरफ से उन पर क़यामत टूट पड़ी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने चंद साथियों के साथ बिजली बनकर उन पर गिरे। 6,000 रोमियों में से सिर्फ चंद 100 ही बमुश्किल अपनी जानें बचाकर वापस किले तक भाग सके, बाकी पूरी फौज इसी मैदान में काट दी गई। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो दुश्मन पर हल्का हाथ रखने के कायल ही ना थे। वो जब तलवार निकालते तो जब तक 1,000-2,000 की गर्दनें ना उतार लेते उनको सुकून ही ना मिलता। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के वो सारे कारनामे के जो ये इराक में फारसियों के खिलाफ अंजाम दे चुके थे, उनके शाम पहुंचने से पहले ही रूमी फौज के एक एक सिपाही से सिपा सालार तक पहुंच चुके थे। और हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम सुनकर ही दुश्मन पर खौफ तारी हो जाता। अजना दीन की लड़ाई वो पहली बड़ी जंग थी कि जो मुसलमानों और रोमियों के माबैन हुई। यहाँ पर अददी तनासुब देखा जाए तो 1,00,000 रोमी थे। रोमियों ने भी सिर्फ अपने हरावल दस्ते ही भेजे थे। उनका ख्याल था कि 40,000 मुसलमानों के लिए रोमियों का ये हरावल दस्ता काफ़ी होगा। रोमियों का अभी तक मुसलमानों से कोई ऐसा वास्ता नहीं पड़ा था कि वो बाकायदा जंग में मुसलमानों की जंगी हिकमत अमली देख सकते। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का उन्होंने नाम ज़रूर सुना था लेकिन खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को मैदान जंग में लड़ते हुए नहीं देखा था। रोमियों की कई सदियों की हरबी तारीख की जंगी हिकमत अमलियाँ हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ मार्कों में टूटती और बिखरती जा रही थी। मुसलमान फौज के पास कोई खास हथियार नहीं थे जबकि रोमियों के पास मंजनीकें और घुड़सवार दस्ते थे और वो खुद भी सर से पाँव तक जीरा बख्तर में गर्क थे। मुसलमानों के पास हल्की तलवारें और नेज़े और हल्का घुड़सवार दस्ता था
लेकिन जब जंगे अजनादीन अहतमाम पजीर हुई तो नतायज इंतहाई गैर मामूली और नाकाबले यकीन थे। 70,000 रोमी कत्ल हुए जबकि सिर्फ 450 मुसलमान शहीद हुए। इन नतायज को समझने से इंसानी जहन कासिर है। दुनिया की तमाम जंगी तारीख में आपको ऐसे नतायज कहीं नहीं मिले होंगे। ये कौन सी ताकतें थीं कि जो वहाँ काम कर रही थीं? कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। यहाँ सवाल ये है कि क्या रूमी और फारसी सल्तनतों ने चूड़ियाँ पहनी हुई थीं? रूमियों को अददी बरतरी भी हासिल थी, असलाह के जोर पर वो मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर देने की सलाहियत भी रखते थे, मगर इसके बावजूद वो मुसलमानों की छोटी सी जमात के सामने टिक ना पाए। जब तक इस मामले के ईमानी और रूहानी पहलू को ना समझा जाए तो इन बातों को आप नहीं समझ सकते। जब तक आप मुसलमानों की इन रूहानी ताकतों को नहीं समझेंगे कि जो इन फौजों के साथ थीं, आप कभी भी इस अमर का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस किस्म की जंग के बाद ये नतीजा कैसे निकल सकता है। कुरान पाक में जंगे बदर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुश्तहाक फेंकने का वाक़या बयान किया गया है। तर्जुमा, जब आपने उन पर संग्रेजे मारे थे वो आपने नहीं मारे थे बल्कि अल्लाह ने मारे थे। और फिर मलाइका के नजूल का वाक़या कि जब वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में सफ दर सफ नाजिल हुए और मुसलमान लश्कर में शामिल होकर मुशरिकीन के खिलाफ लड़े। जंगे बदर में भी 14 मुसलमान शहीद हुए और 70 कुफार मारे गए। और फिर वही बात कि मुसलमान दुश्मन के मुकाबले में एक तिहाई से भी कम तादाद में थे और इनके पास कोई काबिले जिक्र असला भी नहीं था। फिर उन्होंने दुश्मन को एक फैसला कुन शिकस्त से दो चार किया। तारीख इस्लाम में शायद ही कोई ऐसी जंग लड़ी गई हो कि जिसमें मुसलमान अददी तौर पर दुश्मन से ज़्यादा हों। यह एक हैरान कुन मौजज़ा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा बेहतरीन घुड़सवार सिपा सालार दुनिया की तारीख में पैदा नहीं हुआ। वो जिस तरह घुड़सवार दस्ते को जंग में इस्तेमाल करते थे, इससे पहले कभी उनका ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया। वो दुश्मन के घुड़सवार दस्तों को उलझाए रखते। अमूमन दुश्मन के पास भारी घुड़सवार दस्ते होते जबकि मुसलमानों के पास हल्का घुड़सवार दस्ता होता था। वो दुश्मन के घुड़सवार दस्तों को उलझा कर अपने घुड़सवार दस्ते का एक हिस्सा इस लड़ाई से निकाल कर दुश्मन के प्यादा दस्ते पर कारी ज़र्ब लगाते हुए उसे पीछे धकेल देते। फिर दोबारा यहाँ से पीछे हटकर एक मर्तबा फिर दुश्मन के घुड़सवार दस्तों के खिलाफ हमला आवर होते। जिस तरीके से हालत रजी अल्लाह ताला अन्हो घुड़सवार दस्ते के जरिए मुहालफ फौज पर पहलू की जानिब से हमला आवर होते और झपटते पलटते, ये उस वक्त की हरबी हिकमत अमली में एक नया इजाफा था। ये एक ऐसी जंगी और हरबी चाल थी कि जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की वुज़े करदा इस जंगी तकनीक को जदीद दौर में जर्मन अफवाज ने भी जंग अजीम दोम में अफ्रीका के महाज पर नहायत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया था। इसमें कोई शुबा नहीं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो दुनिया के अजीम तरीन सिपा सालार थे, मगर इसमें भी कोई शुबा नहीं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद इस बात का इकरार करते हैं कि उनकी कामयाबियों का राज इस नूर और फैज़ में है कि जो उनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नसीब हुआ है। वो ईमान की हद तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक अपने वजूद से लगा कर रखते थे और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको सैफुल्लाह का लकब बजाते खुद इस बात की जमानत था कि अब दुनिया की कोई ताकत अल्लाह की तलवार को शिकस्त नहीं दे सकती। कोई तो वजह है कि इराक और शाम की फतह का काम खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो से लिया गया। अजनादीन की जंग के बाद मुसलमान अब इस काबिल हो गए थे कि पूरे शाम के मुख्तलिफ इलाकों में फैलें और बराह रास्त दुश्मन के मुकाबले में आएं। अजनादीन की शिकस्त रोमियों के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त थी, लेकिन अब भी बड़े बड़े शहर यानी दिमश्क, बैतुल मुकद्दस वगैरह उनके पास थे और वहाँ भी उनकी बड़ी बड़ी छावनियाँ मौजूद थीं। लेकिन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों अपनी फौजों के कत्ले आम से उनकी आंखें खुल गई थीं। उन्होंने पहली मरतबा
इस शिकस्त को इंतहाई संजीदगी से लिया। उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत से फौजें बुलानी शुरू कर दी। आर्मीनिया का बादशाह बाहान हुद अपनी फौज लेकर पहुंचा। पूरे यूरोप और योगोस्लाविया से फौजें आईं और हुद हरकुल यानी हरकुलेस अपने लश्कर जरार के साथ वहां मौजूद था। अब उन्होंने मिलकर एक और बहुत बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी। मुसलमानों को अंदाजा तो था कि मजीद होनरेज जंगें आने वाली हैं, लेकिन हुद अक्सर मुसलमानों को भी, जो कि मदीना और मक्का से आए थे, ये अंदाजा नहीं था कि उनकी शिद्दत कितनी होगी। जंगे अजनादीन में जब पहली मर्तबा रोमियो का वास्ता सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो से पड़ा, तो रोमियो का एक पादरी सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास आया और सैयदना खालिद से पूछा कि क्या तुम इनके सिपाही सालार हो। खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक इनका सिपाही सालार हूँ जब तक मैं अल्लाह और इसके रसूल की अतात करता रहूँगा, और जब मैं हुक्म अदूली करूँगा फिर ये ना मेरी इज्जत करेंगे और ना ही मैं इनका सिपा सालार रहूँगा। यह सुनकर पादरी के मुंह से बे इख्तियार निकला कि यही वजह है कि तुम लोग हमें शिकस्त पर शिकस्त देते जा रहे हो। इसी तरह एक मर्तबा खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने हजरत जर्रार रजी अल्लाह तआला अन्हो को भेजा कि वो रूमी लश्कर की जासूसी करें। जर्रार नंगे बदन जंगजू के नाम से मशहूर थे, यानी जब दुश्मन की सफ़ों पर वो हमला करते तो जोशे ईमानी में आकर कमर तक अपनी कमीज उतार दिया करते और ज़िरा फेंक कर दुश्मन पर टूट पड़ते, यानी सिर्फ तलवार और नेज़ा लेकर जंग करते और अपने इस हास हुलिये की वजह से दूर से पहचाने जाते कि वो जर्रार इब्ने अल-अज़वार हैं। वो फितरतन एक दलेर और जामबाज जंगजू थे। जब जर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को जासूसी के लिए भेजा गया तो वो रूमी लश्कर के इतने करीब चले गए कि बिल्कुल रोमियों के सामने खड़े होकर उनका जायज़ा लेना शुरू कर दिया। रोमियों ने उनके मुकाबले पर 30 मजबूत सिपाही रवाना किए कि वो उनको गिरफ्तार करके लाएं। ज़र्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पहले तो अपने घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता दौड़ाते रहे। जब रूमी अपने कैंप से दूर आ गए तो फिर ज़र्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने पलट कर उन पर हमला कर दिया। आनन फानन 30 में से 19 को जर्रार ने मौका पर ही मार गिराया, जबकि बाकी दहशत ज़दा होकर भाग खड़े हुए। अब सही मानों में रोमी लश्कर पर मुसलमानों की दहशत तारी हो चुकी थी और रोमी लश्कर में भी ये अफवाहें जोर पकड़ने लगी थीं कि कोई गैर मरई ताकतें और रूहानी कुवतें मुसलमानों के साथ हैं। रोमी जर्नैल ने भी अपना एक जासूस खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के लश्कर में भेजा। वो शख्स मुसलमानों के साथ आसानी से घुल मिल गया क्योंकि वो एक अरब ईसाई था। उसने मुसलमानों के लश्कर में आकर एक रात गुजारी और वापस जाकर अपने बादशाह को बताया कि ये वो लोग हैं कि रात में इनको देखो तो लगता है कि राहिब हैं। सारी रात इबादत, नमाज, जहद, कुरान, जिक्र अज़कार में गुजार देते हैं कि जैसे दुनिया से उनका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं, और दिन में तो देखो ऐसे शाह सवार हैं कि लगता है शाह सवारी के सिवा उनका कोई और काम ही नहीं। ये ऐसे लोग हैं कि अगर उनके बादशाह का बेटा भी चोरी करे तो वो उसका भी हाथ काट दें, और अगर बादशाह वक्त खुद कोई गुमराही या बदकारी करे तो उसको भी संसार कर दें। ये मुसलमान फौज के किरदार के हवाले से इतनी बड़ी गवाही थी के जो तारीख में हमेशा के लिए सब्त कर दी गई। जंगे अजनादीन में एक और गैर मामूली वाकया हुआ कि जिसका तस्करा करना जरूरी है। वरदान बोर के जो रोमियों का एक कमांडर था, उसने मंसूबा बनाया कि हम धोखे से सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो को शहीद कर देते हैं, और इस मकसद के लिए एक खास मुकाम पर उसने अपने 10 शाह सवार छुपा दिए और एक आदमी कासिद के तौर पर खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास भेजा कि जो आप रजी अल्लाह तआला अन्हो से ये कहे कि सुबह वरदान आपसे मिलना चाहता है, यानी रूमी सिपा सालार मैदान जंग के ऐन बीच में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो से मुलाकात करना चाहता है। इसका इरादा ये था कि जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो मुलाकात के लिए मैदान जंग में आएंगे तो वहाँ वरदान खुद उनको पकड़ेगा और छुपे हुए 10 सवार निकलकर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो को शहीद कर देंगे। लिहाजा जब वो ईसाई सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो के सामने पहुंचा तो उसने हुराफात बकनी शुरू कर दी
کہ رومی سالار آپ سے معاہدہ امن کرنا چاہتا ہے۔ یہ نام نہاد اعتماد سازی کے اقدامات کہ جن کے نام آج ہم سنتے ہیں، یہ سب کمزوری کی علامتیں ہیں۔ دشمن کی فطرت مسلمانوں کے خلاف کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ اعتماد سازی کے اقدامات محض دھوکہ اور فریب کا جال بچھا کر نقصان پہنچانے کی سازش ہی ہے۔ جنگ اجنا دین میں بھی ایسی ہی سازش کار فرما تھی۔ بہر کیف حالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ تھے، انہیں روحانی تائید و مدد حاصل تھی۔ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ قاصد کی بات پر اعتبار نہ کیا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا اور یہ اللہ کا مجاہد جلال میں آ گیا۔ حالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گھور کر دیکھا اور صرف اتنا پوچھا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، تو خوف کے مارے اس قاصد کے اوسان ہتا ہو گئے اور اس نے اپنی جان کی امان لے کر سارے راز بتا دیے۔ حالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ عقدہ کھلا کہ وردان کا کھیل کیا ہے، تو پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ کر خود تلوار لے کر ان چھپے ہوئے 10 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے پر تیار ہو گئے، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلاح دی کہ خود جانے کی بجائے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں، اور زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر ان رومیوں کو قتل کر دیں گے یا ان کو زندہ گرفتار کریں گے، اور پھر اگلے دن کی ترتیب ویسے ہی رکھی جائے کہ جیسے پہلے سے طے شدہ تھی، تاکہ رومیوں کو شک نہ گزرے۔ لہٰذا اگلے دن جب حالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی سپاہ سالار وردان سے ملاقات کے لیے میدان کے عین درمیان میں پہنچے، تو اس سے پہلے ہی رات کو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ساتھ جا کے ان 10 رومیوں کو قتل کر چکے تھے اور ان کے جنگی لباس اور زرہ بکتر پہن کر خود وہاں چھپے ہوئے تھے۔ جب وردان نے وہی شرارت کی جس کا منصوبہ اس نے بنا رکھا تھا اور حالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو آواز دی، تو حالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون سے اپنی جگہ کھڑے رہے اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ساتھیوں کے ساتھ وردان کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ جب وردان نے یہ دیکھا کہ کھیل الٹ گیا ہے، تو اس نے حالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف یہ التجا کی کہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کیجئے گا، زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نہ کریں۔ حالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلال میں تھے کہ انہوں نے صرف زرار کو ایک اشارہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وردان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اجنا دین میں فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کا رخ واپس دمشق کی جانب ہو گیا۔ دمشق میں مسلمان فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک طرف سیدنا حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے کمان سنبھال لی۔ دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ دمشق کا مضبوط قلعہ ان کی حفاظت کرے گا اور وہ کسی بھی قیمت پر صلح پر راضی نہیں تھے۔ جو مار رومیوں کو اجنا دین یا باقی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑ چکی تھی، وہ اس سے نہایت خوف زدہ تھے، لہٰذا باہر نکل کر جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ رومی پہلے ہی حضرت حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنے 6,000 جوانوں کا خون کروا چکے تھے۔ اب اس کیفیت میں حضرت حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرہ نہایت طویل لگنے لگا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھاپا مار کارروائی کے ذریعے قلعے کی دیوار پھلانگ کر دروازے کھولنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر یہی ہوا۔ شہر کے ایک جانب سے حضرت حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجوں کو لے کر جنگ کرتے ہوئے داخل ہو گئے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور شکست یقینی ہے، تو شہر کی قیادت اس دروازے کی طرف دوڑی کہ جہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں موجود تھیں، اور دروازہ کھول کر حضرت ابو عبیدہ کو امن و عافیت کے ساتھ شہر میں داخل ہونے اور اپنے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرتے ہوئے صلح کی شرائط طے کر لیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امان دے دی، لیکن دوسری جانب حضرت حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امان نامے اور صلح کی اطلاع نہیں ہوئی تھی اور وہ ابھی تک لڑائی میں مصروف تھے۔ یہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا، جب دونوں مسلمان فوجیں
दमिश्क के ऐन बीच में आपस में मिलती हैं, एक अमन से दाखिल हो रही है और दूसरी तरफ हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार से खून टपक रहा होता है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का इस्तदलाल ये था कि मैंने शहर तलवार के ज़ोर पर हासिल किया है, जबकि हज़रत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो इस बात पर मुसर थे कि ये शहर एक सुलह के नतीजे में कब्ज़े में आया है। बिलआखिर हज़रत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो की दलील को तस्लीम कर लिया और तमाम अमन की शरायत मान ली गई और इस तरह मुसलमानों ने दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। दमिश्क की जंग के दौरान कुछ और गैर मामूली वाकयात भी रोनुमा हुए। मदीना में खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो उनकी जगह खलीफा मुकर्रर हुए। दमिश्क की जंग के दौरान ही हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मकतूब हज़रत अबू उबैदा को लिखा, जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की कमांडर इन चीफ की हैसियत से माजूली के अहकामात थे और ये भी हुक्म दिया गया था कि हज़रत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के नए सिपा सालार होंगे। अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो इस हद से बहुत दुखी हुए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था कि जिसकी तामील लाजिम थी। यहाँ पर सैफुल्ला का किरदार देखिए। जब उनको ये कहा गया कि आपको माजूल करके एक आम सिपाही बनाया जा रहा है, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो इस हुक्म को सर आंखों पर तस्लीम करते हैं। इसके जवाब में हज़रत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो इत्मीनान से कहते हैं, अगर मैं उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए लड़ता था तो अब नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लड़ता था तो इसी तरह एक सिपाही की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां सरंजाम देता रहूंगा। और फिर तारीख ने देखा कि हज़रत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार उसी तरह चलती रही कि जिस तरह एक मुजाहिद और अल्लाह के सिपाही की तलवार चलती है। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू उबैदा के माबैन गहरी मोहब्बत थी, और जब खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे ये पूछा कि अब मेरे लिए अगला हुक्म क्या है, तो अबू उबैदा ने अगला हुक्म ये दिया कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नायब हैं और नायब की हैसियत से जंग की कमान आप संभाल लेंगे। यानी सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म की तामील भी हो गई और हज़रत अबू उबैदा ने जंगी हिकमत अमली और सिपा सालार की हैसियत से जो फैसला किया, वो मैदान जंग की सूरत हाल को सामने रखते हुए उम्मत के आला तरीन मुफाद में भी था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की माजूली से मुसलमानों को दुख और मलाल ज़रूर हुआ, लेकिन हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पेश नज़र एक हिकमत थी और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बाद में इसकी वजाहत भी की कि लोगों को शायद ये ख्याल होने लगा था कि मुसलमानों की फतह खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की वजह से होती है और उनका अल्लाह पर तवक्कल और यकीन कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, वरना उनके दिल में ज़ाती तौर पर हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए कोई बुराई या बदगुमानी नहीं थी। इनके माबैन जो मामलात होते अल्लाह के दीन के लिए होते, ना के ज़ाती बुग्ज़ो अनाद की बिना पर, और कभी कोई ऐसा इख्तलाफ ना हुआ जिससे कोई फितना या फसाद का अंदेशा हो। दोनों ही हजरात करिश्माती शख्सियत के मालिक थे और अपनी अपनी जगह उम्मत की मजबूत चटाने। दमिश्क फतह होने के बाद अब बाज़ंतीनी हुक्मरान हरकुल को ये यकीन हो गया था कि मुल्क शाम उनके हाथ से निकलने वाला है। अब उनके दिल में मुसलमानों की ऐसी दहशत व हैबत घर कर गई थी कि वो अरब के जिनको कुछ अरसा पहले तक वो सिर्फ माल और दौलत के लालच से खरीद कर या डरा धमका कर भगा दिया करते थे, अब हालात ये थे कि उनकी अपनी सल्तनत का सबसे जरहेज सूबा उन्हीं अरबों के हाथ में जाने वाला था। लेकिन कुस्तनतुनिया में रोमी बाज़ंतीनी सल्तनत अब भी पूरी शानो शौकत के साथ अपनी जगह कायम थी। तमाम ईसाई दुनिया और बाज़ंतीनी सल्तनत में ऐलान जंग कर दिया गया और दुनिया के हर कोने से ईसाई लश्कर शाम पहुंचना शुरू हो गए। ये तारीख की पहली बाकायदा सलेबी जंग की तैयारी थी। अब बैतुल मुकद्दस खतरे में था कि जो ईसाई दुनिया के लिए भी इंतहाई मुतबर्रक जगह है,
उनको ये मालूम था कि अगर मुसलमानों ने दमिश्क पर कब्ज़ा कर लिया तो जल्द ही बैतुल मुकद्दस भी उनके कब्ज़े में होगा। इस तरह हरकुल ने एक आम जंग का ऐलान कर दिया और एक बहुत बड़ा लश्कर जरार तैयार किया कि जो तकरीबन 2.5 लाख कील कांटे से लेस सिपा पर मुश्तमिल था। इस जंग को तारीख में जंगे यरमूक के नाम से याद किया जाता है। बिलाशुबा आज की मुरतब शुदा जदीद इंसानी तारीख की बुनियाद जंगे यरमूक से ही पड़ती है। अगर जंगे यरमूक में बाज़ंतीनी रियासत और सलीबी जंगजू के जो पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर मुसलमानों के खिलाफ सफ आरा हुए थे वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला हदफ यकीनी तौर पर मदीना की इस्लामी रियासत होती और ये बात मुसलमान बहूबी जानते थे। यरमूक की ये लड़ाई इस्लामी रियासत के लिए भी बका का सवाल थी। लिहाजा जब यरमूक में गैर मुसलमों ने अपने आप को मुतहद करना शुरू कर दिया तो मदीना तक के मुसलमान बेचैन हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम मुसलमान इलाकों से मुजाहिदीन तलब करके यरमूक की जानिब रवाना कर दिए। उन तमाम मुजाहिदीन की क्यादत हज़रत अबू उबैदा के कहने पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने संभाल ली थी। दूसरी जानिब सलेबियों को भी मालूम था कि अगर जंगे यरमूक में उनको शिकस्त होती है तो फिर शाम का पूरा सूबा और बैतुल मुकद्दस का शहर भी उनके हाथ से निकल जाएगा और इसके बाद सिर्फ मिस्र ही इनके पास बच जाएगा। शाम पर वो अपना कंट्रोल तकरीबन खो चुके थे। जंगे यरमूक ही अब उनकी आखिरी उम्मीद थी और यही वजह थी कि उन्होंने भी एक फैसला कुन जंग के लिए इतना बड़ा लश्कर तैयार किया। दरियाए यरमूक के किनारे लड़ी जाने वाली इस जंग ने तारीख का धारा बदल कर रख दिया। रूमियों को अपनी तादाद और अस्करी कुव्वत पर इतना गरूर और घुमंड था कि उन्होंने जंगी हिकमत अमली के हवाले से एक फाश गलती कर डाली। उन्होंने पड़ाव के लिए यरमूक के मैदान का इंतहाब किया जिसके तीन अतराफ में दरिया थे, जबकि सिर्फ एक तरफ मैदान था। वहाँ मुसलमान फौज ने आकर अपना पड़ाव डाल लिया था। इसके अलावा हुश्की का सिर्फ एक छोटा सा रास्ता कि जो रूमी फौज की पुश्त की जानिब था। रूमियों का ख्याल था कि 2.5 लाख के लश्कर के साथ 40,000 मुसलमानों का मुकाबला करना कोई मुश्किल बात नहीं और उनकी नज़र में शिकस्त और पसपाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जंगी हिकमत अमली इस कदर उम्दा और जदीद थी कि उस वक्त के असूल और कवानीन उस जंगी जहानत को समझने से कासिर थे। ज़ाहिरन 40,000 की फ़ौज 2.5 लाख के लश्कर को शिकस्त नहीं दे सकती और यही वो अददी बरतरी का तकबर है कि जो बड़ी बड़ी फ़ौजों को छोटी फ़ौजों से मुकाबले के वक्त होता है। मुसलमानों ने यरमूक की तरफ रवानगी से पहले एक हैरत अंगेज काम किया कि जिसकी इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। चूंकि जंगे यरमूक के लिए तमाम इलाकों से मुसलमानों को जमा किया गया था, लिहाजा मुसलमानों ने उस वक्त ये महसूस किया कि अब वो शायद उन तमाम इलाकों की हिफाजत ना कर सकेंगे जो वो इससे पहले शाम में फतह कर चुके थे। लिहाजा उन्होंने हमस के ईसाइयों को ये कहकर जजिया वापस कर दिया कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे और मुआहदे के तहत ली गई रकम वापस लौटा दी गई। आज तक तारीख़ इंसानियत में ऐसा नहीं हुआ कि एक फातेह कौम मफतू कौम के गरीब और मस्कीन लोगों के साथ इस कदर गैरत और इज़्ज़त का बर्ताव करे। हमस के ईसाई मुसलमानों के अहलाक और किरदार से इतने मुतासिर हुए के दुआ करने लगे कि मुसलमान जल्द फतायाब होकर वापस लौटें। ये वाक़या यकीनन मुसलमानों के अजीम अहलाकी किरदार की एक ज़िंदा तस्वीर है। यरमूक की जंग 6 दिन तक जारी रही। ये इस लिहाज से भी एक मुनफरिद जंग थी कि यह पहला मौका था कि जब मुसलमानों ने कबायली बुनियादों पर अपनी सफ बंदी की, जो कि एक इंतहाई गैर मामूली बात थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस हिकमत अमली की नफसियाती वजह ये थी कि वो चाहते थे कि इस गुमसान की जंग में हर शख्स अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदार या भाई के साथ खड़े होकर जंग करे
कि जिससे उनके हौसले में इजाफा होता है, और साथ ही साथ हर कबीला अपनी जगह बहादुरी और शजाअत के अलग जौहर दिखाए ताकि इसे दूसरे कबीलों के आगे हुज़ैमत ना उठानी पड़े। जंगी हिकमत अमली के साथ साथ इस नफ्सियाती हिकमत अमली की वजह यह थी कि मुसलमान शदीद ज़हनी दबाव का शिकार भी थे, क्योंकि 2.5 लाख का लश्कर मद्दे मुकाबल था। अगरचे सिपा सालार अबू उबैदा ही थे, लेकिन वो जान चुके थे कि इस मौका पर फ़ौज की कमान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही कर सकते हैं, यानी आज की इस्तलाह में खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस लश्कर के थिएटर कमांडर थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40,000 की फ़ौज को 1,000 के 40 दस्तों में तकसीम किया और हर दस्ते का एक कमांडर मुकर्रर किया। हरावल और महफूज इजाफी दस्ते अलग अलग किए, मेमना यानी राइट फ्लैंक, मेसरा यानी लेफ्ट फ्लैंक और कल्ब यानी सेंटर को असरे नौ तरतीब दिया। फौज के ये तीनों अहम हिस्से घुड़सवार दस्तों पर मुश्तमिल थे, और फिर एक ऐसी जंग की तैयारी शुरू कर दी कि जो इससे कबल उद खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ना लड़ी थी। मुसलमानों की 40,000 फौज में 1,000 के करीब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, कि जिनमें से 100 के लगभग वो सहाबी भी थे जो जंगे बदर में भी शिरकत कर चुके थे। जजीरा नुमा अरब से बाहर किसी और जंग में बदरी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी बड़ी तादाद अब तक शामिल नहीं हुई थी। उस जंग में अकरमा बिन अबू जहल, कि जो अबू जहल के बेटे थे मगर अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत से सरफराज किया था, वो भी मुसलमान फ़ौज में कमांडर की हैसियत से मुतय्यन थे। हज़रत जर्रार, अबू उबैदा, खालिद बिन वलीद, कैस बिन हुबैरा, सईद बिन जैद, मुआज़ बिन जबल, उमरू बिन अल आस, यजीद बिन अबी सफियान, शुरजील बिन हसना, गर्ज ये के इस्लाम ने अपने तमाम जिगर गोशे इस जंग के मैदान में भेज दिए थे। इसी वजह से मुसलमानों को ये हतरा लाहिक था कि अगर इस जंग में मुसलमानों को शिकस्त हुई तो रूमी बदला लेने के लिए मदीना मुनवरा को अगला हदफ बनाएंगे। मुसलमानों के पास घुड़सवार फौज कम थी, तकरीबन 12,000, प्यादा फौज ज़्यादा थी। मुसलमान तभी कामयाब हो सकते थे कि जब घुड़सवार फौज को बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल किया जाता। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पर एक नई हिकमत अमली अपनाई। इससे पहले घुड़सवार फौज को इस तरह किसी और जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिकमत अमली की बुनियाद घुड़सवार दस्तों की तेज़ रफ्तार हरकत, दुश्मन फौज के पहलुओं पर हमला करना, अपनी प्यादा फौज पर बढ़ते हुए दबाव को रोकना और दुश्मन के कल्ब को कमज़ोर करना था। रोमियों और मुसलमानों के माबैन गुमसान की जंग शुरू हुई। तीसरे दिन हालत ये थी कि रोमियों के दबाव की वजह से मुसलमान मेसरा कल्ब की जानिब सिमट गया। इसका फ़ायदा उठाते हुए आर्मीनी और रोमी सिपाही बड़ी तादाद में मुसलमान लश्कर की पुश्त में मौजूद मुसलमान औरतों के हैमों तक पहुँच गए। ये बहुत नाजुक मौका था, क्योंकि उस मौका पर थोड़ा सा मजीद दबाव मुसलमानों को शिकस्त से दोचार कर सकता था। शाम में लड़ी जाने वाली जंगी मुहिमात में पहली मर्तबा मुसलमान शिकस्त के इतना करीब आए थे, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से रोमी जर्नैल इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठा ना सके, और दुश्मन की घुड़सवार फौज वक्त पर अपनी प्यादा फौज की कुमक ना कर सकी, और नतीजे के तौर पर मुसलमानों ने दुश्मन के इस हमले का दबाव तोड़ दिया। इस मौका पर एक और गैर मामूली वाकया हुआ। मुसलमान औरतों ने अपने हैमों से डंडे निकाल लिए और उन मुसलमान फौजियों को मारना शुरू कर दिया कि जो दुश्मन के दबाव की वजह से पीछे हट रहे थे। अब फैसला कुन मरहला आन पहुँचा था। अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबू जहल ने ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा, कौन है जो मौत पर मेरे साथ बैत करता है? यानी हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे कि अब जान निसारी का वक्त आन पहुंचा था। मुसलमान फ़ौज के 400 मुजाहिदीन ने अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ पर लब्बैक कहा और फिर नहायत सरफरोशी और जांबाजी से मैदान जंग में कूद पड़े। तब तारीख ने देखा कि जंग का पांसा पलटना शुरू हो गया
और मुसलमान के जो पस्पा हो रहे थे दुश्मन को वापस पीछे धकेलने लगे। अब पहली मर्तबा जंग की बाजी मुसलमानों के हक में पलटने लगी थी। इस मौका पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला उन्होंने अपनी फौज को अज़सरे नौ तरतीब दिया और अपने घुड़सवार दस्तों का इस्तेमाल शुरू किया। यूं दुश्मन की फौज दबाव का शिकार हो गई। दुश्मन की घुड़सवार फौज जब मुसलमानों को रोकने के लिए आगे बढ़ी तो मुसलमान घुड़सवारों ने उनका रास्ता रोक कर उन्हें पीछे हटाना शुरू किया। जब दुश्मन के घुड़सवार दस्ते पीछे हटने लगे तो मुसलमानों की प्यादा फौज आगे बढ़ने लगी और मुसलमान घुड़सवार दस्तों ने दुश्मन की प्यादा फौज पर शदीद हमले शुरू कर दिए। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो के इन हरबों ने दुश्मन को शशदर करके रख दिया। उनकी सफ़ें एक एक करके उखड़ना शुरू हो गईं। इससे एक दिन पहले कुछ और वाकयात भी हो चुके थे। मुसलमान जंगी शोरा में ये मसला ज़ेरे बहस था कि दुश्मन का मुकाबला किस तरह किया जाए। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने गुस्सानी डिवीजन को सबक सिखाने का फ़ैसला किया ताकि मुसलमान फौज पर दबाव कम किया जा सके। गुस्सानी डिवीजन 60,000 अरब ईसाइयों पर मुश्तमिल थी कि जो रोमियों का साथ दे रहे थे और उनको अलग तैनात किया गया था। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने 30 मुजाहिदीन को साथ लिया और मुकाबला करने चल दिए। जंगी शूरा ने फैसला किया कि 60,000 के मुकाबले में 30 मुजाहिदीन कम हैं, आप 60 मुजाहिदीन लेकर जाएं। 60 मुजाहिदीन 60,000 ईसाइयों को कत्ल तो ना कर सके मगर उन्होंने कफ़ार को नफ्सियाती दबाव का शिकार कर दिया जिसने आइंदा दिनों में फैसला कुन किरदार अदा किया। जंग के पाँचवें रोज़ रोमी फौज थक कर चूर हो चुकी थी और उनके जरनैल हिम्मत हार चुके थे। इसका अंदाज़ा मुसलमानों को इस बात से हुआ कि दुश्मन के जरनैल ने हज़रत अबू उबैदा को ये पैगाम भेजा कि हम जंग को चंद दिनों के लिए रोकना चाहते हैं ताकि अमन मुआहदे की शरायत तय की जा सकें। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने दुश्मन की इस कमज़ोरी को भांप लिया और सुलह के मशवरे को फ़ौरन रद्द करते हुए कहा कि हमें अब इस किस्से को ख़त्म करने में जल्दी करनी चाहिए, लिहाजा अब वक्त ज़ाया नहीं किया जा सकता। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो को अंदाज़ा हो चुका था कि अब फैसला कुन जंग का वक्त आन पहुँचा है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने तमाम घुड़सवार दस्तों को एक जगह जमा किया। 8,000 मुसलमान घुड़सवार एक सफ़ में आ गए। आपने 5,000 घुड़सवार रोमियों की पुश्त की जानिब रवाना कर दिए। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो को ये यकीन हो चला था कि वो अगले दिन इस जंग को पाया तकमील तक पहुंचा देंगे और रोमी यकीनी तौर पर फरार का रास्ता इख्तियार करेंगे। उनके तीन अतराफ में दरिया था और पुश्त पर सिर्फ एक तरफ खुश्की का रास्ता था कि जहाँ पर अब हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत जर्रार रजी अल्लाह तआला अन्हो को 5,000 घुड़सवारों के साथ तैनात कर दिया था ताकि दुश्मन के फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं। जंग के शुरू होने से पहले ही इस तैनाती से ये जाहिर होता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो के अंदाज़े किस कदर सही और मुकम्मल थे। फिर वही हुआ कि जिसकी तोको थी। छठे दिन जब अल्लाह की तलवार चलना शुरू हुई तो रोमी इसके हमले को सह ना पाए। पहली मर्तबा सारी रात लड़ाई जारी रही। आने वाले तवील अरसे तक मुसलमानों में इस खौफनाक रात के किस्से आम रहे। हज़ारों की तादाद में दुश्मन के सिपाही कत्ल हुए, हत्ता कि उनका सिपा सालार भी इस जंग में मारा गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो और तमाम मुसलमानों ने बेदरीग दुश्मनों का कत्लेआम किया और रोमी फ़ौज की कमर तोड़ कर रख दी। अब आम पसपाई का आगाज़ हो चुका था। जिन्होंने भी फरार होने की कोशिश की उनके लिए हज़रत जर्रार रजी अल्लाह तआला अन्हो अपने 5,000 घुड़सवारों के साथ मौजूद थे। उन्होंने भी फरार होने वाले सिपाहियों को तह तेक करना शुरू कर दिया। हज़रत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो को जीत की मुबारक देते हुए इस फतह को फतहुल मफ्तूह यानी फतुहात की फतह करार दिया। यकीनन ये सच था क्योंकि जब से मुसलमानों ने अपनी सरहदों से बाहर जंगी मुहिमात शुरू की थी
तब से लेकर अब तक मुसलमानों ने इतनी होन रेज जंग पहले कभी ना लड़ी थी। अगर अकरमा बिन अबू जहल की पुकार पर 400 मुजाहिदीन मौत पर बैत ना करते तो शायद मुसलमानों को इतनी फैसला कुन फतह हासिल ना होती। हज़रत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके बेटे शदीद जख्मी थे और बाद में इन जख्मों की ताब ना लाते हुए वो भी शहीद हो गए। फतह की खुशखबरी जब मदीना पहुंची तो सब मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब शाम का कोई कला मुसलमानों के लिए रुकावट नहीं था। बाज़ंतीनी हुक्मरान हरकुल ने जब अपनी शिकस्त का अहवाल सुना तो अपने अहलो अयाल और साजो सामान के हमरा कुस्तनतुनिया फरार हो गया। अब आखिरी कला बैतुल मुकद्दस था कि जिसे मुसलमानों को फतह करना था। तमाम मुसलमान दस्ते हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़्यादत में बैतुल मुकद्दस पहुँचे। मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस का मुहासरा कर लिया मगर वहाँ के लोगों ने जान लिया था कि अब जंग करना मुहाल है, लिहाजा उन्होंने अमन की शरायत तय करना शुरू कर दी। उन्होंने ये शर्त आयद की कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद मदीना से आकर बैतुल मुकद्दस का कब्ज़ा अपने हाथ में ले लें। मुसलमानों ने ये शरायत तस्लीम कर ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक ग़ुलाम और अपने ऊँट को साथ लेकर मदीना से बैतुल मुकद्दस की जानिब रवाना हुए। इसी मौका पर वो मशहूर वाक़या पेश आया कि आधे रास्ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद ऊँट पर सवारी करते और आधे रास्ते उनका ग़ुलाम ऊँट पर सवार होता और वो पैदल चलते। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए तो हालत ये थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पैदल चलने की बारी थी और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ग़ुलाम ऊँट पर सवार था। इस शान से मुसलमानों के हलीफा और सिपा सालार आज़म शाम और इराक के फ़ातह बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। ईसाइयों की किताबों में ये भी दर्ज था कि जो शख्स बैतुल मुकद्दस फतह करेगा वो इसी शान से शहर में दाखिल होगा कि वो पैदल और उसका ग़ुलाम ऊँट पर सवार होगा। फिर इंतहाई अमन व अमान से पूरा शहर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले कर दिया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक गिरजे में दाखिल हुए तो नमाज का वक्त हो गया। पादरी ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि आप इधर ही नमाज अदा कर लें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनकार फरमाते हुए कहा, आज अगर मैंने यहाँ नमाज अदा कर ली तो मुसलमान इस गिरजा घर को मस्जिद में तब्दील कर देंगे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गिरजा घर से बाहर आकर नमाज अदा की और वो जगह के जहाँ आपने नमाज पढ़ी वहाँ बाद में मस्जिद की बुनियाद रख दी गई, जो आज भी मस्जिद उमर के नाम से पहचानी जाती है। कई सौ साल बाद जब ईसाइयों ने सलीबी जंगों के दौरान मुसलमानों से बैतुल मुकद्दस दोबारा छीना तो मस्जिद उमर ही वो मुकाम था कि जहां मुसलमानों का इतना कत्लेआम किया गया कि मुसलमानों का खून ईसाइयों के घोड़ों के घुटनों तक जा पहुंचा। इसके बरअक्स जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैतुल मुकद्दस फतह किया तो हर शख्स को अमान दे दी गई। जिन मुकामी लोगों ने कुस्तनतुनिया जाने की ख्वाहिश जाहिर की उनके लिए समंदर तक तमाम रास्तों पर पहरे बिठा दिए गए ताकि कोई भी इनका मालो असबाब ना लूट सके और ना ही उनकी इज्जत पर हाथ डाला जा सके। जो अमन की शरायत के तहत जाना चाहते थे उन तमाम लोगों को शान से रुखसत कर दिया गया। बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद सिर्फ हमस का शहर ही बाकी बचा था जो बहुत जल्द ही मुसलमानों ने दोबारा हासिल कर लिया। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमस को ही अपना मरकज बनाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद वापस मदीना तशरीफ ले आए लेकिन कुछ ही अरसे बाद एक और फितना खड़ा हो गया। रूमियों ने 2 लाख के लश्कर के साथ मिस्र की तरफ से शाम पर हमला आवर होने की कोशिश की। उनका हदफ हमस का शहर था जहां हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने छोटे से लश्कर के साथ क़याम पज़ीर थे। मुसलमानों में घबराहट और परेशानी हो गई। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जंगी शूरा तलब की और वहाँ पर यह फ़ैसला किया गया कि पूरी सल्तनत से मदद तलब की जाए। हलीफा को भी हत लिखे गए
ये फैसला भी किया गया कि किला बंद होकर लड़ा जाएगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने जब ये फैसला रखा गया तो वो जलाल में आ गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कसम खाई कि हम कभी भी किला बंद होकर लड़ाई नहीं करेंगे, और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इजाज़त मांगी कि हम मैदान जंग में जाकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। हम इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े लश्करों को शिकस्त दे चुके हैं, ये तो मामूली बात है। तमाम शाह सवारों ने उनकी इस बात से इत्तफाक किया। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको खुले मैदान में जाने की इजाज़त दे दी। लिहाजा मुसलमानों ने हमस से बाहर निकलकर अपनी सफ़ें तरतीब देना शुरू कर दी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुकदमतुल जेश यानी हरावल दस्ते के साथ आगे भेजा गया ताकि आगे जाकर दुश्मन की नकलो हरकत का पता लगाएं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने छोटे से हरावल दस्ते के साथ सिर्फ सूरत हाल का जायज़ा लेने गए थे, मगर फिर इस तरह दुश्मन पर टूट पड़े कि 2 लाख के लश्कर को मिटा कर रख दिया। जब हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुश्मन से मुकाबले के लिए सफ़े ही तरतीब दे रहे थे तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें वापस आकर इत्तला दी कि दुश्मन का सफाया किया जा चुका है। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सैफुल्ला ने एक बार फिर दीन की आबरू बचा ली। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके बाद हमस में ही क़याम फरमाया, मगर नायब कमांडर की हैसियत से उनका ओहदा अभी भी बरकरार था। आप चूँकि आला ज़र्फ़ थे, यतीमों मस्कीनों और बेवाओं की मदद करने वाले थे, लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना माले गनीमत लोगों में तकसीम कर दिया करते। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बाकी ज़िंदगी हमस में गुजारने का फ़ैसला किया। 21 हिजरी में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमस में ही इंतकाल फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल की खबर जब मदीना पहुँची तो हर घर में कोहराम मच गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद भी बहुत रंजीदा हुए और अहले मदीना को भी सोग मनाने की इजाज़त दी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तरके में सिर्फ हथियार, तलवारें, हंजर और नेज़े ही थे। इन हथियारों के अलावा एक ग़ुलाम था कि जो हमेशा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ रहा करता था। अल्लाह की ये तलवार के जिसने 2 अजीम सल्तनतों रूमी और ईरानी के चिराग बुझाए, वफात के वक्त उनके पास कुछ भी ना था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो कुछ भी कमाया वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। सारी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजारी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ने बहुत सारे बेटे और बेटियों से नवाजा था, मगर आपकी औलाद का बड़ा हिस्सा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल के बाद शाम में ताऊन की बीमारी के बायस शहीद हो गया। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इसी ताऊन की बीमारी से शाम में शहीद हुए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जंगी फतुहात के बारे में सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गवाही दी कि उनकी मौजूदगी में हमने शाम और इराक में कोई भी 2 जुमे एक शहर में नहीं पड़े, यानी हर 2 जुमों के दरमियानी दिनों में एक शहर ज़रूर फतह होता था। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रूहानी ताल्लुक की गवाही भी दी। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफात के बाद सहाबा को वाक़या सुनाया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एक बार 40 मुजाहिदीन के साथ रूमियों के इलाके में भेजा गया। वो सब रूमियों के बहुत बड़े लश्कर के नरगे में आ गए। सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई। इस मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा के ख्वाब में तशरीफ़ लाई और फरमाया कि फ़लाँ जगह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो परेशानी में हैं, जाओ उनकी मदद करो। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने लश्कर के हमरा वहाँ गए और उनकी मदद की। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके रूहानी ताल्लुक की सिर्फ एक मिसाल है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक के जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज के मौका पर संभाल लिए थे उनको अपनी टोपी में प्रो रखा था।
यूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लम्स हमेशा आपके हमरा रहा। वही लम्स इनकी असल ताकत थी कि जिसका वो खुद भी एतराफ़ किया करते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाई जाए और इस बात का जायज़ा लिया जाए कि वो कौन से अवामिल थे कि जिनकी वजह से कबीला कुरैश का एक जंगजू आलम इस्लाम का एक अजीम सिपा सालार कमांडर और अस्करी हिकमत साज बना, तो ये बात सामने आती है कि उनकी जंगी हिकमत अमली बहुत गैर मामूली थी। उन्होंने जो जंगी तरीका इख्तियार किया वो उस ज़माने के लिहाज से कई सौ साल आगे का था। उनकी जंगी हिकमत अमली उस वक्त के आला तरीन अजहान भी नहीं समझ पाते थे। उनकी ज़ाती दलेरी जुर्रत शजात बहादुरी हतरात में कूद पड़ने की आदत जुनून और इश्क की हद तक ये शौक कि वो अल्लाह की राह में जहाद करें, वो तमाम अवामिल थे कि जिन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को सैफुल्ला बना दिया। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी इस सीरीज़ यानी अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का अहतमाम हुआ चाहता है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और आप मज़ीद किस बारे में वीडियोज़ को देखना चाहते हैं? अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे। शुक्रिया।